अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एफ सी जो डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और हम एस एस सी और ए इन जॉब्स के लिए जो है वो पर्टिकुलरली हम लोग प्रिपरेशन uh, स्टार्ट कर रहे हैं सो लेट्स के स्टार्टड विध दिस वीडियो इसमें हम कंप्यूटर के जो वो वो बेसिक से जो है वो कुछ एफ सी सॉल्व करेंगे कि कंप्यूटर के आपको जो है वो बेसिक नॉलेज हो जाए कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं सो लेटके स्टार्ट विद द वीडियो सो फर्स्ट एफ जो हमारे पास है हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स इनके फादर कंप्यूटर जो है वो किसको कहते हैं किन्ने कहा जाता है, है चार्लस पेबिज को ठीक ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंप्यूटर से भी रिलेटेड नेक्स्ट है जी विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर द ब्रेन कंप्यूटर के किस पार्ट को जो है वो उसका दिमाग कहा जाता है सो राइट आंसर है सी पी ओ सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा नेक्स्ट हमारे पास है वर्ट डज रैम स्टैंड फॉर रैम जो है वो uh, किसको uh, किसकी शॉर्ट फॉर्म है रैंडम असेस मेमोरी की सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट है जी विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट डाटा इन टू अ कंप्यूटर सो की से जो हम डाटा एज अ इनपुट जो है वो कंप्यूटर को फीड करते हैं नेक्स्ट है वर्ट डज सी पी यू स्टैंड फॉर स्टैंड सी पी यू की फुल फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ए सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर

नेक्स्ट है जी एम सी क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी so, जो है वो इनपुट डिवाइस होगी सो इनपुट डिवाइस जो है वो स्कैनर है ठीक है इससे जो है हम स्कैन करते हैं ऑब्वियसली उसको हम एक इनपुट की फॉर्म में जो है वो 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 यूज़ करते हैं बाकी जो है वो तीनों आउटपुट होंगी जैसे मोनीटर हो गया प्रिंटर हो गया स्पीकर हो गया ये तीनों जो है वो आउटपुट्स हैं और स्कैनर जो है वो इनपुट है नेक्स्ट है वट डज़ एच डी डी स्टैंड फॉर अब कंप्यूटर में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ होती हैं सो एच डी जो है वो उसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव सो ऑप्शन ए जो है पे करेक्ट होगा हार्ड डिस्क ड्राइव नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज होती है सो विडो टेन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा ठीक है बाकी सारी जो है वो एप्लीकेशन हैं सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो टेन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है वट इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड किसी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या कहते हैं उसका होम पेज कहते हैं सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट है जी विच वट डज यू आर एल स्टैंड यू आर एल जो है वो किसकी फुल

जी यू आई स्टैंड फॉर जी यू आई जो है वो किसके लिए किसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है सो इसका राइट right आंसर है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सो एच टी एम एल जो है वो बहुत फेमस uh, आपने सुनी भी होगी अक्सर जो है वो कोडिंग में यूज़ करते हैं इसको uh, मतलब इसका नाम जो आपने सुना होगा कि एच टी एम एल जो है वो यूज़ करें सो ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा नेक्स्ट है विच इज़ द विच की इज़ यूज यूज़ टू डिलीट अ करेक्टर ठीक है किसकी कौन सी की जो हम यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए किसी को सो किसी भी वर्ड को सो ऑप्शन बी जो डिलीट ठीक है बैक्स पे से तो हम रिमूव बैक पे आते हैं लेकिन डिलीट के लिए डिलीट यूज़ करते हैं नेक्स्ट है वॉट इज़ द नेम ऑफ द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट सो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है डॉट आगे डॉक्स ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है नैन बाकी तीनों जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं ये नहीं है वॉट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर्स ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है तो हार्ड डिस्क है ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा स्टोरेज डिवाइस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज फॉर आई ओ एस एपल ऐप डिवेलपमेंट सो इसके लिए जो है वो कौन सी uh, हम यूज़ करते हैं स्विफ्ट सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं नेक्स्ट है एम सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच ड वट डज एच टी टी पी स्टैंड फॉर एच टी टी पी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा ओके okay, जी नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर एन नेटवर्क किस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं कनेक्ट कंप्यूटर uh, को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा रोटर को जो है हम एज डिस डिवाइस यूज़ करते हैं कि जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर दे सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट है वॉट वॉट डज एस एस डी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा एस एस डी की फुल फॉर्म जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है नेक्स्ट है जी विच कंपनी डिवेल्प द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सो प्रेडिक्ट सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो डेवलप किया सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट सो माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी व्हाट डस GIF स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमेज फॉर्मेट सो GIF जो है वो फुल फॉर्म uh, किसकी शॉर्ट फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ऑप्शन ए जो है वो यहां पे हमारे पास करेक्ट होगा ग्राफिक्स इंटर्ज इन फॉर्मेट नेक्स्ट है जो व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर पीडीएफ जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है पीडीएफ है मींस पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा ठीक है ये एफ का मतलब फॉर्मेट है फाइल नहीं कहीं पर भी विच लैंग्वेज इज यूज फॉर वेब डिवेपमेंट वेब डिवेलमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं सो वेब डिवेलपमेंट के लिए एच यूज़ होती है सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा ठीक है मेनली ये यूज़ होती है बाकी जाओ और ये भी लैंग्वेज हैं नेक्स्ट है वॉट डज आई पी फॉर इन आई एड्रेस आई पी इंटरनेट प्रोवाइड इंटरनेट प्रोवाइड

विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ प्राइमली यूज फॉर एंड्रॉयड ऐप डिवेलपमेंट एंड्रॉयड ऐप डिवेलपमेंट के लिए जो है वो हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं सो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा जावा ठीक है एंड्रॉड ऐप के लिए जावा और आई यू एस के लिए स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ होती है सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट है जी एम सी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वट इज़ द फुल फॉम ऑफ वाई फाई वाई फाई की जो है वो फुल फॉर्म हमारे पास uh, क्या है वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा वायरलेस फिडिलिटी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर थर्टी टू वट इज द टर्म टर्म फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइंड और डैमेज और डिसेबल कंप्यूटर्स उसको जो है जो वायरस टाइप होता है उसको हम मेलवेयर कहते हैं नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ वेब ब्राउजर इनमें से कौन सी एग्जांपल है वेब ब्राउजर की सो ऑप्शन ए करेक्ट है गूगल क्रोम ठीक है इसको हम एज अ वेब ब्राउजर जब यूज करते हैं नेक्स्ट एम सी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट डज बायोस ट्रांसफर बायोस की जो है वो फुल फॉर्म क्या होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ठीक है बायोस फुल फॉर्म हमारे पास ये होगी नेक्स्ट एमसी कुछ देख लेते हैं नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी तीनों जो, हैं, वो programming language है, जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनमें से जो अडॉप है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है वट इज द मेन परपज ऑफ एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का परपज क्या है टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फॉर मेलवेयर एंड वायरसिस नेक्स्ट है जी थर्ट सेवन वट डज दॉनियम वी पी एन स्टैंड फॉर वी पी एन की जो फुल फॉर्म क्या क्या है विचुअल प्राइवेट नेटवर्क सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा नेक्स्ट हमारे पास एमसी है थर्टी एट वाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्प्रेड स्प्रेड शीट एप्लीकेशन इसका जो है वो पर्पज़ है टू मैनेज एंड एनालाइज डाटा नेक्स्ट है विच कंपनी डिवेल्प द फायरफॉक्स वेब ब्राउजर ये किसने मोजिला ने ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा व्हाट डज द टर्म बूटिंग रेफर्स इन कंप्यूटिंग बूटिंग मींस टू टू स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर सो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर कंप्यूटर को जो है वो स्टार्ट करना ठीक है मीन्स बूटिंग बूट करना सो so, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा नेक्स्ट टाइम सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की टाइप नहीं है सो यहाँ पे सी पी यू जो है वो कंप्यूटर मेमोरी नहीं बाकी तीनों जो है वो मेमोरीज हैं ठीक है रैम रोम और कैचे सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा सी पी यू बिकॉज उन्होंने नॉट बोला है ठीक है आपने स्टेटमेंट में इसको जो वो अच्छे से जो वो देखना है कि क्या स्टेटमेंट है विच डिवाइस इज़ यूज फॉर रीडिंग बार कोड्स बारकोड रीडर नेक्स्ट है जी फोर्टी थ्री वट डज एस एल स्टैंड फॉर एस एल जो है वो किसकी शॉर्ट uh, फॉर्म है जी स्क्योर सॉकेट्स लेयर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा ठीक है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वो बेसिकली जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो भी डिस्कस की गई हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स सो यूएसबी फ्लैश ड्राइव को जब हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में डाटा ट्रांसफर करने के लिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर सो लैपटॉप को जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है सो ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट एम सी कुछ दी फोर्टी सिक्स नंबर पर है वट डज ए आई स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग ए आई मीन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ठीक है जो कि आजकल बहुत कॉमन हुआ हुआ है नेक्स्ट है विच कंपनी द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस कंपनी ने जो ये आ, की ने? So, है की थी डिवेलप सन माइक्रो सिस्टम्स ने सो ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की जो प्रोवाइड करता है नेक्स्ट है जी फोटी नाइन विच ऑफ द इज़ यूज टू कंप्रेस फाइल्स कौन से जो है वो फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं सो ऑल ऑफ द बव ये तीनों परपज के लिए यूज़ होते हैं लास्ट टाइम जी कुछ जी वट डज दैट आई एस पी स्टैंड फॉर आई एस है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सो दिस इज दिस फॉर टूडे होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन प्लीज लेटेस्ट नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल स्टे